हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। यू कांट किल समवन इन द नेम ऑफ रिलीजन या किसी पॉलिटिक्स की वजह से। आई डोंट नो कि मैं इस पर्टिकुलर मूवी का रिव्यू किस तरह से करूँ, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी ऑलमोस्ट रात के 4:30 बज चुके, सुबह के 4:30 बज चुके एंड नींद नहीं आ रही है। विजुअल्स मेरे आंखों के सामने से नहीं जा रहे। मूवी की कहानी फोकस करती है 1990 में, जब मेरी पंडित लोगों का कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था, एक्सोडस नहीं जेनोसाइड हुआ था। अब ऐसे में उनके साथ उसके बाद क्या कुछ चीज़ें हुई, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मूवी के जो विजुअल्स, जो चीज़ें मूवी में बताई है वो आपके माइंड से हटेगी नहीं, और इतनी बिंदास तरीके से वो सारी चीज़ें बताना अपने आप में एक हिम्मत की बात है। और आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। देखो यार, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ कि जो सच है वो लोगों तक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस पर्टिकुलर मूवी देखने के बाद हम किसी एक रिलीजन पे फालतू का टारगेट करें, जो कि गलत है। क्योंकि हर एक रिलीजन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा रिलीजन बदनाम होता है, और इन जैसे लोगों की वजह से हम उन मासूमों की जान ना लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये मूवी हमें वो बताती कि भाई कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन ये मूवी वो बिल्कुल भी नहीं बताती कि भाई इस मूवी को देखने के बाद हम लोग कुछ गलत स्टेप लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत 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 अच्छी तरह से की गई है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट इस मूवी का ये है कि इंटरवल से जस्ट पहले का सीन और मूवी का क्लाइमैक्स, वो आपकी रूह तक कांप जाएगी। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार, देखो यार, अनुपम खेर इस पर्टिकुलर मूवी में, उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यार परफॉर्मेंस में भाई ने बता दिया कि इतने साल से वो बॉलीवुड में झक नहीं मार रहा। कमाल का परफॉर्मेंस किया, कमाल का, मतलब सारे एक्टर एक तरफ और अनुपम खेर का परफॉर्मेंस एक तरफ। फिर दर्शन कुमार का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा, मिथुन चक्रवर्ती जी का, और उनके अलावा जो पुनीत इसहरा और दूसरे जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी अपने हिस्से रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। लेकिन मूवी की मेन जान है इसका स्क्रीन प्ले, और जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री जी ने वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया ऑडियंस के सामने, दैट इज अनबिलीवेबल। मुंबई में इस पर्टिकुलर मूवी के शोज को बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये पर्टिकुलर मूवी हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जेनोसाइड होता है, कोई भी रिलीजन के लोग इसमें मरते हैं, तो वो मरता एक इंसान है एट दी एंड। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में ऐसे वॉयलेंस के सीन्स है जो आप देखोगे तो आप डर भी जाओगे और आपकी आंखों से आंसू भी निकल सकते। और मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10। वजह यही है, ऑडियंस के सामने वो सारी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करना, वो भी इतना बिंदास तरीके से रिक्रिएट करना, अपने आप में बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट था। और मूवी को स्टार्ट से लेकर एंड तक एकदम रियल और रॉ रखने की कोशिश की, तो इस लिहाज से मुझे इस मूवी को 10 out of 10 देना। आई डोंट नो कि ये रिव्यू मैंने कैसा किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी कुछ चीज़ें दिल से निकलती है, तो ये रिव्यू भी दिल से था। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप क्या लगा इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के बाद ये भी मुझे बता सकते हो। तो यार, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।